Okay. Hello Chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो क्या रोमन रेंस एडवर्टाइज थे आज की मंडे नाइट रॉ के लिए? इसके अलावा गाइस AEW सुपरस्टार सैमी गेवारा ने कुछ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव कमेंट किए साशा बैंक्स के बारे में और AEW ने कर दिया उनको अपनी कंपनी से सस्पेंड। एक बड़ा स्पॉइलर जो कि हमको बताता है कि आखिर क्या आगे डायरेक्शन होने वाली है सेथ रॉलिंस और रेमिस्टरी की स्टोरीलाइन के लिए। शार्लेट फेयर हो चुकी है इंजर्ड, एक्सट्रीम रूल्स के बारे में गाइस हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जेसन जॉर्डन के बारे में, ड्रू मैकइंटायर ने क्या ज़िगलर को वार्निंग दी। तो गाइस काफी सारी अपडेट्स होंगी वीडियो के अंदर, आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पर सोए वाली वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने पूरा रॉ का शो कवर कराया, कैसे ज़िगलर ने आकर मैकइंटायर को चैलेंज कर दिया, बॉबी लेशली जाएंगे यूएस चैंपियनशिप के लिए, रैंडी ओर्टन और मिस्टीरियो की स्टोरीलाइन में भी काफी कुछ हुआ, तो गाइस उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और गाइस वीडियो के खत्म होने के बाद गाइस आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू से, जो कि WWE का अगला पे पर व्यू है और गाइस ऑलरेडी दो चैंपियनशिप मैचेस WWE ने शो के लिए ऑफिशियल कर दिए हैं। पहला मैच तो आपको पता ही है कि WWE ने जो हमें शुरू में हिंट कर दिया था और यह है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ज़िगलर के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए और अब ये मैच एक्सट्रीम रूल्स के लिए ऑफिशियल है। इसके अलावा गाइस एक और मैच जो कि है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए वो ऑफिशियल हो चुका है, आस्का वर्सेस साशा बैंक्स के बीच। हमको लग रहा था कि नाया जैक्स और शार्लेट फेयर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच में होंगी, लेकिन रॉ पर एक बहुत बड़ा टर्न आया और ये मैच हो चुका है एक्सट्रीम रूल्स के लिए ऑफिशियल। एंड स्पीकिंग ऑफ शार्लेट फेयर गाइस, WWE ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक ऑफिशियल अपडेट दिया शार्लेट फेयर के बारे में, जहां पर WWE ने हमको स्टोरीलाइन में ये बताया कि शार्लेट फेयर हो चुकी है इंजर्ड नाया जैक्स के अटैक के बाद। अभी मैं आपको बता दूं ये रियल इंजरी नहीं है, स्टोरीलाइन का पार्ट है और इस समय को क्या पता लग रहा है, इस समय को ये पता लग रहा है कि भले नाया जैक्स एंड शार्लेट फेयर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच में नहीं है, लेकिन उनकी अलग से ये वाली फ्यूड चलने वाली है। और आपको पता है रिसेंटली दोनों सुपरस्टार्स को जो है काफी अच्छा पुश मिल रहा है, शार्लेट फेयर को तो मिलता ही है, नाया जैक्स को भी WWE थोड़ा सा सीरियसली ले रही है, हालांकि चैंपियनशिप जिताती नहीं है। तो देखते हैं इनके बीच भी आने वाले हफ्तों के अंदर हमको क्या कुछ सीन देखने को मिलता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर से। और गाइस अगर आप लोगों ने आज का रॉ का एपिसोड देखा है, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पर जाकर सारी बातें जान सकते हैं। तो गाइस वहां पर हम लोगों ने देखा कि हमको ज़िगलर का रिटर्न देखने को मिला मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में और मैंने आपको कुछ दिन पहले बता दिया था कि एज स्टाइल्स जो है स्मैकडाउन पर गए हैं तो वहां से ज़िगलर आएंगे और वो रॉ का पार्ट होंगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और आकर उन्होंने एक्सट्रीम रूल्स के लिए चैलेंज कर दिया है ड्रू मैकइंटायर को। तो गाइस इसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने एक ठीक ठाक सी वार्निंग दी है ज़िगलर को अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर और गाइस जो उनका ट्वीट है वो आप लोग देख सकते हो इसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई तुमको जो भी क्रेडिट लेना है तुम ले सकते हो, स्पेशली व्हाट बिग डैडी क्लेमोर डस टू यू एट एक्सट्रीम रूल्स। अब ये पहले से ज़िगलर के लिए वार्निंग है और मैं कहना चाहूंगा कि ज़िगलर को इस वाली वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया, जब से वो WWE चैंपियन बने हैं, WWE ने बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से ड्रू मैकइंटायर को बुक किया है और ऐसा लग रहा है कि शायद ज़िगलर ने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है, उस आदमी से पंगा लिया है जो कि आज से कुछ टाइम पहले उसका दोस्त था। लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं, लेकिन इस वाली स्टोरीलाइन में मेरे को लगता है काफी मजा आने वाला है क्योंकि ये आपस में काफी ज्यादा पर्सनल हो सकते हैं और जो भी थिंग्स WWE पर्सनल होने वाली दिखाती है उस वाली स्टोरीलाइन में पर्सनली मेरे को तो मजा आता है, वैसे पर्सनली यहां पर कुछ ज्यादा ही हो गया। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है जेसन जॉर्डन से। अब आपको पता है बहुत लंबे टाइम से जेसन जॉर्डन WWE टेलीविजन से गायब है, अभी रिसेंटली जब जेफ हार्डी वाला एंगल हुआ था तो वहां पर हम लोगों ने उनको देखा था, हालांकि वो टीवी पर आना ये नहीं कह सकते कि टीवी पर आना है और इसके पीछे रीजन गाइस आपको पता है उनके नेक में प्रॉब्लम है और स्टिल उनका स्टेटस क्लियर नहीं है कि क्या कभी वो इन रिंग अपना रिटर्न कर भी पाएंगे या नहीं, जो कि काफी बुरा लगता है सुनने में। लेकिन गाइस फिर भी एक खुशी की बात है जेसन जॉर्डन के लिए और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस किया फादर्स डे के टाइम पर कि उन्होंने अपने फर्स्ट जो चाइल्ड को है वेलकम कर लिया है। आपको पता होगा अभी से कुछ टाइम पहले तो नहीं, पिछले साल मैंने शायद दिसंबर महीने के आसपास मैंने आपको बताया था जेसन जॉर्डन का ट्वीट, जहां पर उन्होंने बताया था कि वो बहुत जल्दी बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस बात को फाइनली उन्होंने सोशल मीडिया पर रिवील कर दिया। अब उनके रिटर्न से तो ये न्यूज रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो जेसन जॉर्डन का स्टेटस, तो भाई यहां पर आई होप इस न्यूज के साथ साथ मैंने बाकी भी काफी चीजें कवर कर ली होंगी और मैं होप करता हूं कि जेसन जॉर्डन पूरी तरीके से फिट हो जाए और वो वापस से WWE में अपना इन-रिंग रिटर्न कर लें। इसलिए नहीं कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन किसी के लिए भी सुनकर अच्छा नहीं लगता कि उसके मेडिकल स्टेटस की वजह से या फिर उसके हेल्थ स्टेटस की वजह से वो रिंग के अंदर कम्पीट नहीं कर पा रहा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये काफी ज्यादा सीरियस और सेंसिटिव है और ये जुड़ी है WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स एंड AEW सुपरस्टार सैमी गेवारा से। दोनों ही नामों से आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, दोनों ही कंपनीज के अंदर ये टॉप स्टार्स हैं। और गाइस रिसेंटली हुआ क्या कि सैमी गेवारा के एक पॉडकास्ट की क्लिप वायरल हो रही है, जहां पर सैमी गेवारा 2016 में एक कॉमेंट करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा बेकार है किसी फीमेल के लिए और यहां पर सैमी गेवारा साशा बैंक्स के साथ रेप करने की बात कर रहे हैं। अब जब ये चीज पहली बार मेरे कानों में पड़ी तो मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया कि सैमी गेवारा ऐसा कॉमेंट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा नेगेटिविटी हो गई और उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट डाला जहां पर उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं उस चीज के लिए कि उन्होंने पास्ट में क्या कॉमेंट किया और ये चीज उन्होंने इस वे में बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। मतलब सैमी गेवारा यहां पर कुछ ऐसा बताना चाह रहे थे, मतलब अगर मैं आपको अपनी देसी स्टाइल में बताऊं तो कुछ ऐसा कि जैसे कि बंदा
बात करते करते गालियां नहीं दे देता लेकिन वो सामने वाले बंदे के लिए गाली नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ सैमी गवारा इस वे में कहना चाह रहे थे, लेकिन जो उन्होंने बात कही वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थी और उन्होंने यहां पर सॉरी किया और अपोलोजाइज किया। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने साशा बैंक से बात करी है और वो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील करते हैं। इसके बाद गाइस साशा बैंक्स की भी स्टेटमेंट आती है जहां पर उन्होंने कहा कि सैमी गवारा से उन्होंने बात करी है। उन्होंने कहा कि किसी भी वे में ये चीज सैमी गवारा ने कही हो लेकिन इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साशा बैंक्स ने यह भी कहा कि तुम क्या बात बोल रहे हो, इसका दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, इसका तुमको कोई भी अंदाजा नहीं है। हालांकि साशा बैंक्स ने यहां पर इस बात को एक्नॉलेज तो किया कि सैमी गवारा अपोलॉजी मान रहे हैं, लेकिन साशा बैंक्स काफी ज्यादा हर्ट है। वैसे ये वाले कॉमेंट सैमी गवारा ने 4 साल पहले किए थे जो कि अब सामने आ रहे हैं और गाइस इसका रिजल्ट ये निकला कि AEW ने सस्पेंड कर दिया है सैमी गवारा को। अभी उन्होंने कहा कि फ्यूचर में जाकर वो इस चीज को रीएवैल्यूएट करेंगे कि सैमी गवारा के साथ क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए सैमी गवारा की जो भी सैलरी है वो डोनेट की जाएगी विमेन सेंटर ऑफ जैक्सनविल के लिए। तो ये काफी अच्छा स्टेप मेरे को लगा AEW की तरफ से। ऐसे कमेंट्स किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। अब कुछ लोग यहां पर सैमी गवारा को डिफेंड भी कर रहे हैं कि ये 4 साल पहले के कमेंट्स से तब बंदा जो है हो सकता है मैच्योर ना हो, लेकिन अब वो हो चुका हो और 4 साल पहले कोई कही हुई बात के लिए आप उसको अब दोष दे रहे हो। वेल जो भी है, लेकिन मेरे को इतना तो लगता है ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी जैसे कमेंट सैमी गवारा ने किए। अब देखते हैं सैमी गवारा का फ्यूचर क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली इस चीज ने उनके करियर पर एक काफी तगड़ा धब्बा लगा दिया है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है रोमन रेंज से। और क्या रोमन रेंज आज की मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज से? तो गाइस एक बहुत ही तगड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तब जब जेफ जैरेट ने इस बात को अनाउंस किया कि रोमन रेंज के साथ साथ उसोस, इसके अलावा जेफ हार्डी, ये सारे सुपरस्टार होंगे राउंड टेबल डिस्कशन पर और ये चीज हो गई मंडे नाइट रॉ के दौरान। अब ये वाला जो डिस्कशन था बेसिकली वो एक वीडियो कॉल थी जहां पर सारे सुपरस्टार से उन्होंने कैंसर के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाई, फंड भी उन्होंने रेज किया और कैसे ब्लड कैंसर के लिए फाइट करनी चाहिए। रोमन रेंज ने अपनी जो है इंस्पिरेशन वाली स्टोरीज बताई। अब ये चीज मंडे नाइट रॉ के दौरान हुई, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये चीज मंडे नाइट रॉ के ऊपर आने वाली है क्योंकि जेफ जैरेट इस चीज को हैवीली प्रमोट कर रहे थे। तो लोगों को लगा, इवन आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि भाई रोमन रेंज के आज रॉ के एपिसोड में आ चुके हैं या फिर रॉ पर तो रोमन रेंज आए नहीं। तो गाइस रोमन रेंज रॉ के दौरान एडवर्टाइज से इस वाले डिस्कशन पैनल के लिए, ये चीज रॉ पर नहीं होने वाली थी और ये चीज हुई WWE के कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको शायद पता ही होगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू WWE चैरिटी करती है, वो लोगों की हेल्प करती है। तो रोमन रेंज कभी भी रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज नहीं थे बल्कि रॉ के एपिसोड के दौरान WWE कम्युनिटी के पैनल पर रोमन रेंज थे। वैसे अगर आप लोग इससे कोई अपडेट लेना चाहते हो तो ज्यादा आप लोग ये दे सकते हो कि रोमन रेंज हमारे काफी हेल्दी और फिट नजर आ रहे हैं और बाकी उनकी बातें देखकर वो काफी कूल हैं, काफी मजे में हैं, इवन वो अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहे हैं, करेंगे भी क्योंकि इस समय वो किसी भी तरीके के खतरे में नहीं है, घर पर है अपनी फैमिली के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और गाइस इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है रे मिस्टीरियो और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन से। अब आपको पता ही कि कैसे एक रॉ के एपिसोड में जब सेथ रॉलिंस ने मिस्टीरियो की आंख फोड़ दी थी तो उसके बाद से हमको पता लग गया था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो है आने वाले महीनों में चलने वाली, हफ्तों में चलने वाली है जो कि सेथ रॉलिंस और मिस्टीरियो के बीच होगी। और यहां पर WWE काफी कुछ इंटरेस्टिंग एंगल दिखाएगी, यहां पर रे मिस्टीरियो के सन भी होंगे। और गाइस आज हम लोगों ने रॉ के एपिसोड में देखा कि जब नंबर्स गेम उल्टा ही पड़ गया सेथ रॉलिंस की फैक्शन के ऊपर, क्योंकि गाइस एलिस्टर ब्लैक और हुम्बर्टो करियो यहां पर आ गए और वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने मिस्टीरियो और उनके बेटे को, और उसके बाद उन्होंने एक तरीके से बीटिंग दे दी और सेथ रॉलिंस की गैंग को वहां से भागना पड़ जाता है। तो गाइस इसी के रिगार्डिंग एक बड़ा रूमर आया जो कि एक पॉसिबल स्पॉइलर भी बन सकता है, और वो ये कि अगर आप लोग देखो तो रे मिस्टीरियो की टीम की तरफ 4 बंदे हैं और सेथ रॉलिंस की फैक्शन में उनको मिलाकर 3 बंदे हैं, और शायद WWE एक्सट्रीम रूल्स के लिए एक 4 vs 4 वाला मैच हमको दिखा सकती है। और गाइस इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन के अंदर जल्दी कोई बड़ा सुपरस्टार आ सकता है। और आपको पता ही है पिछले कुछ हफ्तों से ऐसे रूमर्स तो चल रहे हैं कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन बहुत बड़ी हो सकती है। इसके अंदर अभी सेथ रॉलिंस का मन है कि वो और भी सुपरस्टार्स को डालेंगे, इवन उन्होंने WWE के सामने इस वाले आइडिया को पिच किया है। तो गाइस आपको आने वाले हफ्तों के अंदर ये हो सकता है अगले हफ्ते ऐसा देखने को मिल जाएगा, WWE इस वाली चीज को जल्दी पुल करना चाहती है कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन में नया मेंबर आ जाए। और रिसेंटली अगर आप लोग देखो तो रूमर्स आए थे डोमिनिक डाइजोकोविक के कि वो सेथ रॉलिंस की फैक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि वही वो सुपरस्टार होंगे जो कि सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहां पर हमको क्लियर पता लग रहा है कि 4 vs 3 की सिचुएशन है। और आपको पता है हील वाली जो साइड होती है WWE कभी भी उसको नंबर्स में कम नहीं रखना चाहती, एक बार को फेस वाली साइड को नंबर्स में कम रखा जा सकता है, लेकिन भाई अगर आप लोग हील को ही वीक दिखाने लग जाओगे तो वो डोमिनेटिंग या फिर वो अग्रेसिव नेचर कैसे दिखा पाएंगे। तो गाइस यहां पर हमको एक पॉसिबल स्पॉइलर मिलता है कि बहुत जल्दी आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर सेथ रॉलिंस की फैक्शन में एक नया मेंबर ऐड होने वाला है जिस हिसाब से स्टोरी लाइन ने टर्न लिया है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। अब वो नाम कौन सा हो सकता है उसके बारे में आप लोग स्पेकुलेशन कर सकते हो भर भर के जब तक वो नाम रिवील नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, अगर इसके बारे में मेरे को कोई नई अपडेट मिलती है कि आखिर कौन ज्वाइन कर सकता है सेथ रॉलिंस के फैक्शन को, तो डेफिनेटली गाइस वो चीज आपको चैनल के ऊपर जरूर देखने को मिल जाएगी। और गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक की थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सुबह वाली वीडियो को गाइस जाकर अभी जरूर देखो। कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि सेथ रॉलिंस के फैक्शन में आप लोग किसको देखना चाहोगे, और गाइस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे
हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।